हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स। इट विल कूल डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड इन, ऑप्शन है 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, ग्रेटर देन 5 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी है, सपोज कर लीजिए जैसे यह बॉडी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 65 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने में 5 मिनट का वक्त लग रहा है, 5 मिनट का टाइम लग रहा है 65 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में। आप कह रहे हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से इसके टेम्परेचर को 55 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लगेगा? क्या 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से कम लगेगा, 5 मिनट से अधिक लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। तो देखेंगे वेदर क्या है, वेदर तो दोनों केस के लिए सेम है। अब जब कोई वस्तु अगर बहुत हॉट है तो उसको ठंडा होने में कम समय लगेगा, जैसे देखेंगे 65 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लग रहा है। तो अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होने में जो समय लगेगा वह क्या लगेगा, अधिक लगेगा, मीन्स 5 मिनट से अधिक समय लगेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों टेम्परेचर डाउन होता जाता है, वस्तु के ठंडा होने की दर वो घट जाती है, वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। जब वस्तु धीरे धीरे ठंडी होगी तो समय अधिक लग जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ग्रेटर देन 5 मिनट्स, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन स्टेट ए इज 10 जूल। यहां पर फिगर देख रहे हैं तो कह रहा है कि इन स्टेट ए इंटरनल एनर्जी इसकी 10 जूल है। आफ्टर सप्लाइंग 50 जूल हीट इट रीचेज इन स्टेट बी, कारण जब 50 जूल इसको हीट सप्लाई कर दे रहे हैं तो यह स्टेट बी में चला जा रहा है। द इंटरनल एनर्जी इन स्टेट बी इज, कह रहा है कि जब 50 जूल इसको हीट सप्लाई कर दिया गया तो यह स्टेट बी में चला गया, स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया। तो कह रहा है कि जब स्टेट बी में पहुंचता है तो वहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए है 10 जूल, ऑप्शन बी है 20 जूल, ऑप्शन सी है 30 जूल, ऑप्शन डी है 40 जूल। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है कि कोई एक सिस्टम है जो कि इनिशियल स्टेट ए में है और यहाँ पर इनिशियल इसकी इंटरनल एनर्जी 10 जूल है। यहाँ पर जा देखें 10 जूल इंटरनल एनर्जी है इसका, और जब 50 जूल हीट इसको सप्लाई किया जाता है तो यह स्टेट बी में पहुँच जाता है। तो स्टेट बी में पहुँचने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है, और इधर क्या है, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेट ए है और यहाँ पर स्टेट बी है। इसके सामने यहाँ पर यह वन, यहाँ पर वन है और यहाँ पर ये इसके सामने 3 है और यहाँ पर 10, यहाँ पर 30। देखेंगे यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इसके सामने जो प्रेशर है वह है 30। तो
आप देखेंगे क्या होगा जब यहाँ पर 10 जूल इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यह सॉरी 50 जूल, यहाँ पर देखेंगे 50 जूल दिया हुआ है, 50 जूल जब इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वह स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे कि जब 50 जूल हीट सप्लाई किया गया तो सिस्टम पर कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होगा, इस पूरे एरिया के बराबर होगा। यहां पर देखिए यह ए है, ये बी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, यहां पर ये टू दिया था। तो आप जरा देखेंगे यहां पर वर्क डन कितना होगा ऑन सिस्टम, तो इस क्लोज्ड एरिया के इक्वल वर्क डन होगा। तो यहां पर ये क्या बना रहा है, एक रंबस बना रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बना रहा है। तो इस रंबस का एरिया क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ रंबस, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ रंबस में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्क डन यहां पे कितना हो जा रहा है, यहां पर जरा देखेंगे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन, तो एरिया ऑफ रंबस क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पर पैरेलल साइड से देखेंगे यहां पर क्या है 1/2 एडी प्लस बीसी इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मींस डीसी इनटू डीसी। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ। यहां पर देखेंगे आप चाहे तो ट्रायंगल का एरिया निकालकर रेक्टेंगल का एरिया उसमें ऐड करके भी आप इसका एरिया फाइंड करके वर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर AD जरा देखेंगे यहां पर कितना है 10 है, और यहां पर BC कितना है, तो यहां से यहां तक 30 न्यूटन, तो प्लस 30 इंटू D से लेकर C तक, तो 3-1 यहां से देखेंगे 3-1 हो जाएगा। डीसी का मतलब यह हो गया डीसी इक्वल टू हो जाएगा 3-1 और यह है मीटर क्यूब में क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ, देखेंगे यहां से हो जाएगा 40 और यहां से हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 40 जूल। तो जो वर्क डन हुआ वह हो गया 40 जूल, सिस्टम पर 40 जूल वर्क किया गया है। तो अब इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ए से जब बी तक सिस्टम चला जाएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यहां पर जरा देखें, नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से हम लोग पहले डेल्टा यू निकालेंगे, तो जरा देखें डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू यहां पर क्या है, 50 जूल हीट सप्लाई किया जा रहा है, यहां पर जाते हैं 50 जूल हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो डेल्टा क्यू की जगह हो जाएगा 50 और माइनस डेल्टा डब्ल्यू की जगह हो जाएगा 40 इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वह आएगा 10 जूल, डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया 10 जूल। अब यहां पर जरा देखेंगे पॉइंट ए पर इसका इंटरनल एनर्जी कह रहा है कि 10 जूल है और पॉइंट बी पर इंटरनल एनर्जी मीन्स यू भी पूछा जा रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो देखेंगे डेल्टा यू का मतलब हो गया यू बी माइनस यू ए इक्वल टू 10 जूल, यहां पर ये दिया हुआ है। तो यू बी माइनस यू ए, यू ए कितना है 10 जूल, तो यहां पर 10 और इक्वल टू 10, इस 10 जूल को जब हम लोग इस साइड से इस साइड में ले चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स यू बी इक्वल टू हो जाएगा 10 + 10 मीन्स 20 जूल, मीन्स यू बी इक्वल टू आ गया 20 जूल। पॉइंट बी पर जो इंटरनल एनर्जी होगा वह 20 जूल होगा, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट यहां पर देखेंगे एरिया जो हमने निकाला है, जो वर्क डन निकाला है, यह पूरा एरिया जितना कवर हो रहा है, देखेंगे प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं। तो यह क्या है, कर्व है, ये क्या है वॉल्यूम एक्सिस है, ये क्या है प्रेशर एक्सिस, इसके बीच का एरिया क्या है, यहां पर एक रंबस बना रहा है। तो रंबस मीन्स समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, देखेंगे यहाँ पर ये क्या बनता है, एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना, यहाँ पर एक ट्रेंगल बना, दोनों का एरिया निकाल कर आप ऐड करके भी वर्क डन पहले निकाल सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इन ए रूम किसी कमरे में, इन ए रूम कंटेनिंग एयर, कमरे में क्या है हवा है, इन ए रूम कंटेनिंग एयर हीट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर बाय। अब देखेंगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कमरा है, कमरे में हवा भरी हुई है। अब कह रहा है कि कमरे में हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। ऑप्शन है किस प्रकार से जाएगा, बाय कंडक्शन ओनली। ऑप्शन बी है बाय कन्वेक्शन ओनली। ऑप्शन सी है रेडिएशन ओनली एंड ऑप्शन डी है बाय ऑल द 3 मोड्स, यानी तीनों तरह से जाएगा। तो स्टूडेंट जरा आप सोचिए कि किसी कमरे में हवा है, मीन्स जैसे जिस कमरे में हम लोग रहते हैं आप वैसा भी कमरा सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस कमरे में रहते हैं उसमें भी हवा ही है। अब आप सोच सकते हैं कि उस कमरे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट कैसे जाएगा। जैसे अगर मान लें कमरे में कोई गर्म वस्तु रख दें तो हीट का एक्सपेंशन कैसे होगा, हीट का प्रसार कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि हीट का जो एक्सपेंशन होगा कंडक्शन द्वारा भी हो सकता है, कन्वेक्शन द्वारा भी हो सकता है और रेडिएशन द्वारा भी हो सकता है। तो मीन्स किसी कमरे में अगर एयर है तो वहां पर हीट का जो ट्रांसफर है, हीट का जो एक्सपेंशन है वह बाय ऑल 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों माध्यमों से संभव है। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।